नगर निगम प्रशासन ने मानसून पूर्व नालों की सफाई का कार्य हाथ में लिया है ताकि शहर के नालों व बड़े बड़े नालों से होने वाले पानी के बहाव से नागरिकों को परेशानी ना हो। सांसद सुनील मेंढे ने मानसून पूर्व की स्थिति की समीक्षा के बाद इस संबंध में निर्देश देते हुए व्यवस्था को दुरुस्त किया। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शहर के सभी प्रमुख नालों की 10 दिन के भीतर सफाई करा दी जाए। मानसून के दौरान राज्य के कई हिस्सों में भंडारा शहर में जलभराव हो गया है। हर बार इस तरह की घटना के बाद नगर निगम प्रशासन की ओर ध्यान जाता है। बारिश के संभावित खतरे को देखते हुए सांसद सुनील मेंढे ने नगर प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने नालों की सफाई के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए किए जाने वाले उपायों पर मंथन किया जा सके। इसके बाद से प्रशासन ने शहर के बड़े बड़े नालों और नालों की सफाई शुरू कर दी है। 2 जून से सफाई शुरू हो गई है। हर वार्ड से बारिश का पानी ले जाने वाले बड़े बड़े नालों और नालों की सफाई कराई जा रही है। प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि साफ सफाई होने से बारिश का पानी आसानी से निकल जाए और बारिश से लोगों को परेशानी ना हो। सांसद सुनील मेंढे ने नगर परिषद के मुख्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि काम में किसी तरह की देरी ना हो। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।